जब क्या नाम लड़ाई हुई जब तो उनको इस तरह बजाया जिस तरह कुत्ते का बजाओ। और पब्लिक जो इकट्ठा हो चुकी है और जो सार्जेंट डीजे हैं उन्होंने अपना पूरा सेटअप जो है खोलना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं अपने जो माल है ना, जो इनके स्पीकर वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब इसमें अपनी गाड़ियों में लोड कर रहे हैं, वो फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी तो मतलब ढंग तरह से बजा भी नहीं, ऐसे देखते हैं। टेलर ही साजन भाई, साजन भाई मिनट तक चलेंगे ना तेरे लार। अगर कोई भी हत्ता भाई हो जा, चौधरी भी आई बात कहेगा, रवि चौधरी भी, अमर भी भाई नहीं कह रहा है। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर सार्जेंट डीजे खड़ा हुआ है उत्तराखंड के अंदर। और आप देख सकते हैं जो इनका सार्जेंट डीजे जो है ना 2024 कावड़ यात्रा में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, जो कि झारखंड से आए हुए थे। आप देख सकते हैं जो इनका पूरा सेटअप लगा हुआ था सार्जेंट डीजे का, अभी ये खोल रहे हैं और यहाँ पर जो है भीड़ भी जुटना शुरू हो गई है। हमें जैसे पता लगे कि साजन भाई के साथ में उत्तराखंड से पहले वो पंडावरी जो गांव पड़ता है उसमें इनके साथ में पद्धमीजी हुई, जिसके कारण जो हमें ये नहीं पता सच का, तो वहीं पे जो मौजूद थे उनको पता होगा काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुई ऐसा बताया गया रावण डीजे और साजन डीजे के बीच में। उसके बाद में अभी जैसे हम देख पा रहे हैं अभी साजन भाई का जो यहाँ पे डीजे का जो अपना पूरा सेटअप ये वापस उतार रहे हैं और ये वापस घर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम साजन भाई से यही गुजारिश कर रहे हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे साथ के खड़े हुए हैं, कि साजन भाई अपना दोबारा से सेटअप लगाएं और उसी धूम तड़े के तरीके से। कैसे लगा लेंगे, अभी तो उन्होंने जो आधा पूरा अपना सेटअप उतार लिया है अपना। अभी साजन भाई से बोला था, लेकिन साजन भाई से हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। साजन भाई कह रहे हैं कि अभी कुछ बात करेंगे हम, अभी देखते हैं उसके बारे में क्या समाधान निकलता है, अभी हमें भी इसका। आप क्या चाहते हैं, पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक, सारी पब्लिक जितनी भी खड़ी है, साजन भाई बजना चाहिए। अभी सारी पब्लिक आजाद है। अगर साजन भाई अगर इस तरीके से अभी जा रहे हैं तो साजन भाई यहाँ से यूपी से हार के नहीं जा रहे, वो जीत के जा रहे हैं। बदतमीजी हुई सार्जेंट डीजे के साथ में, जैसे कंपटीशन हुआ, तोड़ फोड़ हुई, शीशे भी फोड़ दिए ट्रक के, तो कैसे देखते हैं आप? अगर अगर देखो साजन भाई के साथ में जैसा हम देख रहे हैं कि आप बता रहे हैं जैसे शीशा फोड़ देते वो देते, आज तक ऐसा हुआ नहीं और ना ही कभी यूपी उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी होगा। आज से पहले जो भी आज तक उत्तर प्रदेश में जितने भी डीजे इतने धूमधाम से आते हुए इसी तरीके से हमेशा जाते, इस बार भी वही जाते, लेकिन कुछ लोगों ने गलत फहमी के कारण इस तरीके से ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ। लेकिन आपके सामने अभी देखा जा रहा है जैसे भी है अभी उतार रहे हैं। तो अभी जैसे ये बहुत दूर से आए हुए थे, झारखंड से यहाँ पर आए हुए थे, तो ये क्या मैसेज जाएगा कि कावड़ यात्रा में तो कोई भी आ सकता है, कोई भी अपना डीजे सेटअप लेके आ सकता है, तो इससे क्या मैसेज आएगा अब भाई? और सेटअप बिल्कुल भी खोलना नहीं चाहिए था ना। कहाँ से आए आप? मैं तो यहीं का। कहाँ के हो? और मुंडिया की का। अच्छा, तो कैसे मतलब आप डीजे देखने के लिए आए, सुनने के लिए क्या है? डीजे देखने के लिए ही आया था। अच्छा, अगर मेरी एक बात हो, अगर ये नुमा अगर दम जरा सा भी होता, अच्छा, तो यहाँ क्या नाम है भैया का दिखाऊँ मैं। ये तो जब ये क्या नाम खड़े हो गए थे, जब ये मन तो कॉम्पिटिशन करते आ रहे थे, अगर उसमें दम होता ना तो जब लड़ाई करके दिखाता हो, जब इसके अलावा मेरे आदमी थे, और जब ये खड़ा होगा एक साइड में, जब ये केले हो गए, जब इनका इनके लड़ाई करती, अगर जो जिगर वाला वो हो जो कहना हो, यहाँ कहना हो, सबके सामने लड़ाई करके दिखाओ। मतलब ऐसा बताया जाता है कि जो पार्टी है जिन्होंने डीजे को बुक कराया वो मेरठ की है, तो क्या पार्टी ने भी साथ नहीं दिया इनकी? मेरठ पार्टी तो है ही नहीं, आज ही कहना इनके ला रहा, ये तो केंद्र खड़े थे यहाँ से साइड वाली भेड़ के धरो। अच्छा, 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 तो उस वक्त ये हुआ जब मौजूद थे उस टाइम। एक बताऊँ, जब जब कहना लड़ाई हुई जब तो उनको इस तरह बजाया जिस तरह कुत्ते का बजाओ। अच्छा जी, हाँ, इस तरह लड़ाई हुई वहाँ पे। पूरी मतलब एक तोड़ फोड़ मची पूरी। राज जब उनका बजना, जब उनका बज लिया, कहना छिदके में चले गए, फिर वन तो सारे चले गए, छिदड़ बिदड़ हो गए। जब इन्होंने कहना हमला कराया उन पर, और नीचे रूम तो उनको ही बजा रावण डीजे वालों के। हाँ, रावण वालों को ही बजा। तो अभी जैसे कि मतलब इन्होंने अपना पूरा सेटअप उतार लिया, पब्लिक की जो उम्मीद थी वो जो गाना सुनना चाहती थी, मगर मेरे पीछे कराया इन्होंने काम। अब भी हम इस तरह मेरठ तक चल लिया, और नाम बढ़ाना मेरा नया बड़ा नहीं बनाया दिया, ये भी बात ही नया। उनका इस तरह बजा लट जिस तरह कुत्ते का बजा करो, जब शुरू में बजा लट। हाँ, हम कह रहे अगर जिगर वाला हो ना, तो जिगर वाला हो, कंपटीशन करता नहीं कहते बिचारों के, जीत के जाता, या तो हारता है जीतता। आप क्या मानते हैं, किस वजह से इनके साथ में ऐसा हुआ? आप क्या मानते हैं किस वजह से ऐसा हुआ? पॉपुलैरिटी की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ? मगर भाई तेरे लारे चले, मेरठ तक चलेंगे ना तेरे लारे। अगर कोई भी हत्ता भाई हो जा, चौधरी भी आई बात कहेगा, रवि चौधरी भी, अमर भी भाई नहीं कह रहा है, तेरे लारे चले। पूरे सपोर्ट करके गए दोनों, हम तो कह रहे हैं ना मेरठ में ही बजाएंगे, एक घंटा आ जाइयो मेरठ वाले भी। तो जैसे अब डीजे वालों की बात नहीं मानने, तो आपकी क्या बात मान लेंगे? ये क्या मानने अब, जब बात भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहन लेने जब नहीं बात मानने, नुकसान है भैया। ये क्या नुकसान है? बहुत नुकसान है, क्योंकि जब इतनी दूर से मंगाया पैसा खर्च करके, तो नुकसान ही तो है। उम्मीद हो पानी फिरना बोलते हैं इसे। 40-50 जो 40-50 यहाँ का स्टाफ भी था, कई दिन तक मेहनत करी इन्होंने, जब सेहतमंद थे, जब तो पीछे थे, कावड़ लेकर पीछे थे, जब तो लड़ते हैं।
अगर ये पैसा आया तो मैं होते फिर तो बहुत तगड़ा बजता लटवा जी। यही मानना है अगर इस तरीके से जा रहे हैं ना, अभी भी ये यहाँ से यूपी से जीत के जा रहे हैं, जीत के जा रहे हैं ऐसा है। क्योंकि मेरी बात सुनो, अगर इस तरीके से आपको लग रहा है जैसे कि अभी लोगों का दिल तो जीत लिया, लोगों का दिल तो जीत ही रखा, जब से साजन भाई हरिद्वार में जगह है उस समय से यूट्यूब चारे चैनल पे साजन भाई और ये तो अभी तो मतलब ढंग तरह से बजा भी नहीं, कैसे देखते हैं। टेलर ही था जब टेलर में यो हलवा बसता तो क्या होता है। पर साजन भाई ये खतरा महसूस हुआ दूसरे डीजे वालों को, खतरा उन्होंने होगा हैंडने का डर होगा। फिर साजन भाई आएगा, बस फिर साजन भाई आएगा और कोई ना आया। पहली कावड़ याद रखी की पहली कावड़ याद, पूरे उत्तराखंड में साजन बज रहा था, डर रहे थे कि हाँ भाई कोई डीजे आया। पहली कावड़ याद रहती, पहली कावड़ याद रहे मैसे हो गए इनके साथ में। पहली लंबा डीजे बढ़िया सेट बनाया बोल रहा था, दुनिया का नहीं लिया तू मुझे ठग सुपर कर रहा था। अगर उसमें दम होता तो यहाँ का ना भाई बंदी था, कंपटीशन करता अकेले ले रहा, इतना बड़ा जनरेटर तो किसके पास नहीं, जितना अकेले ले रहा 500 केवी का तीन जनरेटर जो है, मतलब जैसे और भी दूसरे डीजे हैं, कसाना डीजे, अमर डीजे और भी बहुत सारे डीजे हैं, तो सार्जेंट डीजे के अंदर आपको क्या ऐसी खास बातें लगी? सार्जेंट डीजे के साथ ये खासियत लगी हम सबसे बड़ी बात, तो वो एक अलग सेटअप निकाल के लाए ट्रक पे, जो सभी भाई आज तक हमने देखे डॉक्टर ट्रोले और डीसीएमओ में देखे, लेकिन हमने सबसे पहली बार ट्रक पे देखा जो नया लुक निकाल के लाया और जिसमें अपना सेटअप भी इसने हाइट के हिसाब से लगा रखा, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ पूरे मान्यता के साथ में इसने अपना सेटअप लगा के रखा, परमिशन लेके जो गाइडलाइन थी उसको सब फॉलो किया, परमिशन लेके लगाया, अपनी परमिशन के साथ। अभी कहा जा रहा है कि चलान भी कुछ हो गया, चलान की भी कुछ खबरें हैं, और ऐसे भी कहा जा रहा है कि प्रशासन भी थोड़ा कठोर कर रहा है। सब तब एक और प्रशासन है यहाँ से, अन्य कहना जब लड़ाई हो रही थी वहाँ होते, जब तक बैन करने खतर तो कहने में एकदम लड़ा पुलिस चल रही थी, और जब लड़ाई वहाँ बच गई जब एक भी पुलिस वाला नहीं था। एक ये भी तो कारण है क्योंकि सार्जन डीजे की काफी ज्यादा चर्चा है, तो मतलब जैसे ये डीजे निकलता है तो भीड़ बहुत ज्यादा आ जाती है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऑर्डर क्या है, उसके फॉलोवर बहुत है, नाम है इसका जिस तरह नाम ब्रांड नाम हो। हम तो मुझसे बहुत लोग प्रशासन की तो ये बात सुनो जितने भी डीजे प्रशासन दूर दूर तक रखे थे बंदे, देख सकते हैं मतलब जो यहाँ पर पब्लिक जो इकट्ठा हो चुकी है, और जो सार्जेंट डीजे हैं उन्होंने अपना पूरा सेटअप जो है खोलना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं अपने जो माल है ना, जो इनके स्पीकर वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब इसमें अपनी गाड़ियों में लोड कर रहे हैं, वो फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब तो ऐसे ही लगता है कि अब जो ये कावड़ यात्रा में जो है सार्जेंट डीजे सेटअप जो है नहीं बजेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अपना खोल रहे हैं, दिखा दो एक बार वहाँ की तस्वीर, देखो किस तरह से अपना निकाल रहे हैं, और इनका आगे जो है इनका पूरा जो है ट्रक खड़ा हुआ है, इसके आगे एक और ट्रक खड़ा हुआ है, इन्होंने ट्रक पे अपना जो है बांध रखा था पूरा सेटअप, आप देख सकते हैं, और आगे के जो कुछ शीशे भी टूटे हुए हैं।